गाइस मैंने पार्ट वन जो पटेल ब्रदर्स का ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने इंडियन ग्रोसरीज दिखाई थी, उसमें बताया था कि मैं पार्ट टू भी बनाऊंगा। तो ये पार्ट टू वाली वीडियो है, इसमें भी आपको बहुत डिटेलिंग में इंडियन ग्रोसरीज के बारे में पता चलेगा यूएसए में। तो अगर आप यहाँ पे न्यू आ रहे हैं तो ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अभी क्या है कि ये पार्ट टू वाला वीडियो आप देखिए और इसके बाद में मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ। तो आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा पार्ट वन देख के और पार्ट टू देखने के बाद में चलेगा कि जो प्राइस है वो ग्रॉसरीज का प्राइस कितना है। तो मैंने जो ग्रॉसरीज खरीदी थी तो मैं उसको हॉल करूँगा, उसको अनबॉक्स करूँगा अपने अपार्टमेंट पर जाने के बाद, और वहाँ पे मैं ये भी डिटेल बताऊँगा कि जो आइटम्स हैं उनका प्राइस कितना है। तो गाइस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सेक्शन में आ चुका, वो है इंडियन का फेवरेट सेक्शन मैगी। मैगी यहाँ पे आसानी से मिल रही है और ये भी कुछ अलग टाइप के नूडल्स हैं। सब नूडल्स का सेक्शन है, ये भी कुछ दूसरे ब्रांड के नूडल्स हैं। ये रॉ नूडल्स हैं, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नूडल्स दे आर, बट इनका शायद कोई अपना ब्रांड है। ये ओट्स भी हैं गाइस, मसाला ओट्स हो गए। ये भी नूडल्स हैं, आई थिंक ये रेडी टू ईट नूडल्स हैं सारे के सारे। फिर से कोई सेक्शन है रेडी टू ईट पूरा। ये जो सेक्शन में आ चुका हूँ ये है पापड़, गार्लिक पापड़, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं पापड़ के, उड़द पापड़, ब्लैक पेपर, चिप्स वगैरह भी हैं, आलू के चिप्स हैं। तो पूरा इंडियन ब्रांड है, आनंद का कोई ब्रांड है। स्नैक्स में जनरली लिए जाते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। देखिए इसका कुछ वाइट सा कलर है, ये कुछ अलग टाइप का है, मे बी फ्लेवर दोनों में इन सब में अलग अलग होंगे। जी सूप वाला सेक्शन है, आपको यहाँ पे सभी टाइप के सूप्स मिल जाएंगे और बिल्कुल इंडियन ब्रांड मिलेगा आपको। वेज मंचूरियन मसाला है, टोमेटो सूप्स हैं, मिक्स वेजिटेबल का सूप है, उसके अलावा ये कुछ गुलाब रोज वाटर भी है यहाँ पे अवेलेबल। उसके अलावा ये डाबर का हनी अवेलेबल है, ब्रेड जैम, या सो ब्रेड जैम जो है किसान का वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम सॉस की बात करें, रेड सॉस, सेजवान चटनी, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, सारी के सारी अवेलेबल हैं। ये चटनी की बात करें तो बहुत सारी चटनी अवेलेबल है अलग अलग टाइप से, मिंट चटनी हो गई, हॉट एंड स्वीट चटनी अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी वाले सारे के सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए और सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के पेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, स्वाद ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा होगा। गार्लिक पेस्ट, ये मिक्स जिंजर एंड गार्लिक, और ये पूरा गार्लिक और जिंजर अलग अलग भी आप ले सकते हैं। ये पूरा जिंजर और गार्लिक पेस्ट का सेक्शन है, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अचार वाले सेक्शन में, तो देखते हैं कौन कौन से अचार यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ग्रीन चिल्ली पिकल अवेलेबल है, और मैंगो जिंजर पिकल, लाइम पिकल, मिक्स पिकल, रेड चिल्ली पिकल, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल टाइप के जो भी पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं। और ये मैंने पहले यहाँ से लिया हुआ है, तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो करूँगा प्रिया ब्रांड का, ये काफ़ी अच्छा है। मैंने चिल्ली पिकल लिया है इसका, तो काफ़ी
सही निकला था। तो आई बिलीव कि बाकी भी जो प्रिया ब्रांड के होंगे वो काफ़ी सही होंगे। मैंगो पिकल, तो सब भी टाइप के जो अचार हैं वो सब अवेलेबल हैं। मैंगो के भी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। मिक्स पिकल भी है, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। पंजाबी पिकल है गाइस, और अगर आप अचार ढूँ अचार के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट सब भी बहुत सारी वैरायटीज आपको अचार में मिलने वाली हैं। पर जो मोस्ट फेमस है वो यहाँ का प्रिया ब्रांड है, वो काफ़ी काफ़ी अच्छा अचार निकलता है उसका। ऑलमोस्ट ऑल टाइप के अचार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी पहुँच चुका हूँ मसाला सेक्शन में, तो बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल इंडियन वैरायटी मैंने देखे हैं अभी यहाँ पे, सभी अवेलेबल हैं। चलो कवर करते हैं क्या क्या है। तो रसोई मिस्क मैजिक मसाला अवेलेबल है, जो अगर आपको ऑनियन या गार्लिक के बिना वाले मसाले लेने हैं वो भी अवेलेबल हैं। सिर्फ नो ऑनियन नो गार्लिक ये भी अवेलेबल हैं। पाव भाजी के मसाला भी अवेलेबल है, चना मसाला अवेलेबल है, सान ब्रांड है, सामी कबाब, चपाली कबाब, पसंदा मसाला, टिक्का सीख कबाब, इस टाइप के मसाले भी अवेलेबल हैं। आपको स्पेसिफिक अगर किसी रेसिपी के लिए चाहिए तो वो सब स्पेसिफिक रेसिपी के हिसाब से भी मसाले अवेलेबल हैं। बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, चिकन बिरयानी, फिश बिरयानी, मसाले ही हैं पूरे के पूरे अवेलेबल हैं यहाँ पे। और भी देखते हैं और क्या क्या मसाले में अवेलेबल है। बादशाह कोई ब्रांड है, उसका चाट मसाला है, चिकन मसाला है, चिकन लॉलीपॉप का स्पेशल अलग है, बटर चिकन का अलग है, बॉम्बे चिकन का अलग है। डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी के लिए डिफरेंट मसाले जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी आ जाते हैं जो इंडिया के बहुत ही फेमस ब्रांड है MDH, MDH के किचन किंग मीट मसाला, चंकी चाट मसाला, शाही पनीर मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला, स्टफ पराठा मसाला, सब्जी मसाला, राजमा का लकीजो मसाला है, कढ़ाई पनीर हो गया, गरम मसाला, वह जो भी चटनी पड़ोरी मसाला, मुझे तो नाम भी नहीं पता है तो, लेकिन बट चिकन के लिए भी MDH के जो ब्रांड है वो भी अवेलेबल हैं मसाले में। तो ऑलमोस्ट MDH के सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं गाइस मसाले में। एवरेस्ट के मसाले भी अवेलेबल हैं, फिश करी मसाला हो गया, रॉयल गरम मसाला हो गया, मोमोज का मसाला अवेलेबल है गाइस। इसके अलावा तंदूरी चिकन एवरेस्ट का मसाला है, ये शुगर है, शुगर देसी शुगर, चीनी है, ये चीनी वगैरह सारे ये सब भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अभी आई थिंक जो इनो है, इनो का इनो भी अवेलेबल है, दोनों फ्लेवर अवेलेबल है, ऑरेंज और ये ग्रीन वाला होता है कोई दूसरा, और आई थिंक दो से ज़्यादा अवेलेबल है। बहुत सारे इनो के फ्लेवर भी हैं, वो भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। और ये स्वाद के बहुत सारे ब्लैक सॉल्ट, डिफरेंट टाइप के जो सॉल्ट होते हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे ये ब्लैक सॉल्ट हो गया, टाटा का भी नमक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस सेक्शन का, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। और दूसरे वाले सेक्शन है जिसमें भी मसाले अवेलेबल हैं, तो ये स्वाद का है, ये जो लाल मिर्च जो सूख के हो जाती है, चिल्ली हुल इसको बोलते हैं ये लोग, वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा ये आप स्वाद के ब्रांड हैं, चिल्ली जो मिर्च होती है, डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स हैं, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इजीली। इसके अलावा एक कोरिएंडर पाउडर है,
कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर आपको मिल जाएगा, जीरा वगैरह। ये स्वाद का ब्रांड है जीरा, हल्दी वगैरह भी आपको मिल जाएगा। मस्टर्ड सीड्स, अजवाइन सीड्स, पॉपी सीड्स, मस्टर्ड क्रस्ट, मस्टर्ड पाउडर, ये आई थिंक मेथी है, ये गरम मसाला, ब्लैक पेपर, जिंजर के पाउडर है, आमचूर पाउडर, बे लीव्स, तेज पत्ता जो होता है वो भी अवेलेबल है, कसूरी मेथी वो भी अवेलेबल है। ये पूरा MDH ब्रांड का भी अवेलेबल है कसूरी मेथी, छोटा पैक और बड़े दोनों में मिल जाएगा। इस मसाले में आपको सारे के सारे ब्रांड यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, MDH, Everest, जो इनके भी लोकल ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो सेक्शन है ये आपको मुरमुरे, पोहा में भी काम आते हैं, पोहा वगैरह वो वाला सेक्शन है। इसके अलावा इस सेक्शन में ये मखाने वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स के मखाने हैं गाइस, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये आई थिंक स्पेशली फॉर पोहा है, तो ये पोहा स्वाद ब्रांड का पोहा है। अभी जो मैं सेक्शन में आ चुका हूँ ये है जो कि किचन में डेली यूज में जो स्टफ यूज होते हैं, डेली यूज में जो किचन में डेली जो स्टफ यूज होते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। कढ़ाई वगैरह, ये जो सेक्शन है इसमें आपको, इसमें यहाँ पे ऑयल भी है, तो ये स्वाद का इनका ऑयल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सफोला गोल्ड जो कि इंडिया में भी मिलता है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो आप इनमें से ले सकते हैं। वैसे काफ़ी ब्रांड्स हैं लेकिन सफोला गोल्ड इज़ बेस्ट एज़ पर माई ओपिनियन। ये पिंगेले ऑयल, डिफरेंट टाइप्स के ये ऑयल अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स भी अवेलेबल हैं जो खाना बनाने के काम में आते हैं। बहुत सारी वैरायटीज हैं कुकिंग ऑयल्स में भी, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो सफोला गोल्ड है। आमला का ऑयल, ये गोला का तेल जो हम बोलते हैं, पैराशूट ब्रांड, इंडियन ब्रांड है एकदम, भी है। ऊपर भी कुछ डिफरेंट ब्रांड्स हैं, पैराशूट के ज़्यादा ब्रांड्स हैं पर यहाँ पे, तो जो पैराशूट का ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड भी है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अब घी की बात करते हैं, तो अमूल का घी है इनका, और ये कुछ और ब्रांड है GRB करके इनका, तो ये है नानक का घी गाइस, और स्वाद का भी ब्रांड है घी में, लेकिन जो मैंने जो अभी तक ट्राई किया वो किया मैंने नानक का देसी घी। ये एकदम आपको इंडियन एकदम फ्लेवर आएगा, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया का जो देसी घी होता है वैसा आप खा रहे हैं। तो अगर घी का आप सोच रहे हैं तो आप यही सेलेक्ट कीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो अभी आ जाते हैं कि पूजा के आइटम्स, तो जो वर्शिप के लिए हम यूज़ करते हैं आइटम्स वो भी आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। तो
तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है पूजा का आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगरबत्ती हो गया, धूप बत्ती हो गया, जो रुई की हम बत्ती बनाते हैं वो सब चीज़ें, सब घंटी हो गया जो पूजा में यूज होती है, और ये कलावा हो गया, वो सब सारे के सारे आपको यहाँ पे बहुत ही बहुत बहुत आसानी से मिल रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आई थिंक पूरा का पूरा पूजा में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गोला हो गया, सबको सारा का सारा आपको ईजिली मिल जाएगा। देखिए ये बत्ती है जो यूज करते हैं दिया में लगाने के लिए। उसके अलावा हेयर ऑयल की बात कर लेते हैं। हेयर ऑयल में यहाँ पे आंवला का ऑयल है, केस किंग है, नवरत्न आयुर्वेदिक तेल वो भी है, तो वो भी है। और शैम्पूज में सनसिल्क का शैम्पू है, पतंजलि ब्रांड जो बाबा रामदेव का ब्रांड है वो भी अवेलेबल है, हिमालय के ब्रांड अवेलेबल है, वाटिका के ब्रांड अवेलेबल है। गाइस यहाँ पे आने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं US में हूँ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल इंडिया के किसी बिग बाज़ार में पहुँच चुका हूँ और सारी की सारी चीज़ें वही हैं। तो अभी ये बालों पे लगाने के लिए मेहंदीज वगैरह जो होती हैं वो भी अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स के, लाइक आपको किस टाइप का कलर चाहिए बालों पे, बिल्कुल इंडियन ब्रांड्स में ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। कुछ कॉलगेट वगैरह के सेक्शंस हैं, दंत कांति जो इंडिया में मोस्टली मिलता है, पतंजलि का ब्रांड है वो भी है। हम शॉप्स की बात करते हैं तो शॉप्स में गाइस को संतूर की अवेलेबल है, डिटॉल की शॉप्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा हिमालय की शॉप्स भी है, इसके अलावा बेबी के लिए अगर आपको देख रहे हैं तो बेबी जॉनसन की शॉप है, बर्तन धोने के लिए भी सर्फ एक्सेल और रेंजो ब्रांड होता है वो भी अवेलेबल है, पतंजलि के भी शॉप्स जो हैं अवेलेबल है, लक्स का शॉप लक्स भी है, उसके अलावा ये कुछ पाउडर्स भी है, पॉन्ड्स का जो पाउडर होता है जो गर्मी में हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो भी पॉन्ड्स का पाउडर भी अवेलेबल है। और अगर जेल की बात करें तो जो फेस वॉश होते हैं तो ये पतंजलि का है, उसके बाद हिमालय का जेल है, फेस वॉश है, और ये क्रीम भी है वीको टर्मरिक जो होता है, दूरदर्शन पे एक ऐड आता होगा आपको याद होगा मुझे वहाँ से याद आया, तो ये वीको टर्मरिक वो भी अवेलेबल है, फेयर एंड लवली की क्रीम्स हैं, डिटॉल है, साफ़ी का जो सिरप होता है खून साफ करने के लिए बोलते थे कि पिया जाता है वो भी यहाँ पे है, जिनके नमकीन वाला सेक्शन है तो खुद से वाला नमकीन बनाते हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज नमकीन में आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। हल्दीराम के भी सेक्शंस हैं, ब्रांडेड सेक्शंस हैं, और ये जो खुद के हैं इनके तो खुद से भी बनाते हैं, वो सारे भी आपको मिल जाएंगे, बनाना चिप्स हो गए, मिक्सचर नमकीन है। अभी मैं आ चुका हूँ आटे वाले सेक्शन में, तो आटे में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आटा मल्टीग्रेन वाला आटा है यहाँ पे, ये चक्की आटा भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं आटे में मैं अगर बोलूँ तो, लेकिन मैं जो जनरली कंसीडर करता हूँ वो ये आशीर्वाद का आटा है जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, तो आप अगर आप आटे के बारे में बात कर रहे हैं तो आप आशीर्वाद का आटा ले सकते हैं यहाँ से। तो डिफरेंट पैक्स में भी अवेलेबल है, आपको 10 केजी का भी पैक मिल जाएगा, 5 केजी का भी पैक मिल जाएगा, तो अपने महीने के या 15 दिन के हिसाब से आप जो आपका कंजम्पशन है उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आटा। अभी मैं आ चुका हूँ राइस वाले सेक्शन में, तो राइस में भी जो बासमती राइस है और दूसरे टाइप के भी राइस होते हैं सारे के सारे वो अवेलेबल हैं, तो चलिए देखते हैं राइस में और क्या क्या है। तो मैं जो लेता हूँ राइस में आपको वो लेके चलता हूँ, तो ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, दुनार, टीडा, रॉयल, मैं जो कंसीडर करता हूँ
राइस में वो आपको दिखाता हूँ। ये सब राइस के ब्रांड हैं। मैं जो लेता हूँ वो ये वाला राइस लेता हूँ, स्वाद का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मैं अभी आ चुका हूँ दाल वाले सेक्शन में। सभी टाइप की दाल यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए उड़द की दाल अवेलेबल है, मूंग की दाल अवेलेबल है, मसूर दाल, मूंग की जो पिसी हुई वाली दाल है वो भी है, काले उड़द वाली दाल है, उड़द की जो पिसी पीस के जो बनाते हैं वो भी है, चना भी है, चना दाल जो होती है, बटाना वाइट भी है, ये ग्रीन भी है बटाना, येलो दाल भी है, ये राजमा भी है अलग अलग टाइप के, रेड है, रेड बीन्स हैं, ऑर्गेनिक दाल अगर आपको लेनी है तो ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल वो भी अवेलेबल है, फ्लोर आटा वगैरह ये भी है, साबूदाना, बेसन है, स्वाद का बेसन अवेलेबल है, सूजी है, स्वाद ही ब्रांड है, काफ़ी अच्छा होता है। मैदा जो है वो भी स्वाद का है, स्वाद काफ़ी अच्छा ब्रांड है इनका, तो आप ले सकते हैं। ये मक्के का आटा भी है, आइसक्रीम का आपको यहाँ पे वेदी लाल जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है, आपको ऑलमोस्ट सारे फ्लेवर मिल जाएंगे, फलोदा कुल्फी, केसर पिस्ता कुल्फी, काजू मलाई कुल्फी, फ्रूट्स एंड नट, गुलाब जामुन, जो वेदी लाल काफ़ी फेमस ब्रांड है इंडिया में, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुल्फी भी हैं, जो शाही कुल्फी जो इंडिया में मिलती है, अलग अलग फ्लेवर हैं, चॉकलेट्स वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे, डेयरी मिल्क जो काफ़ी हम लोग इंडिया में भी खाते हैं, चिप्स कुरकुरे ये सब भी हैं, सेम जो इंडियन ब्रांड होता है एग्जैक्टली सेम ब्रांड अवेलेबल है। ये जो गुड़ की चिक्की होती हैं वो भी अवेलेबल है, गोलगप्पे, रेडीमेड गोलगप्पे भी मिलते हैं यहाँ पे, पानी पूरी, गोलगप्पे, पटेल्स का जो है ये खुद से यहाँ पे बनाते हैं, तो ये बिस्किट्स वगैरह, समोसा, पेटीज, टी वगैरह ये खुद से फ्रेस तैयार करते हैं, केक्स हो गए, पेटीज हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, रोटी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो भाई ये था पटेल ब्रदर्स का एक शॉर्ट टूर, जो कि मैंने आपको सारा बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, पर हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें अभी भी यहाँ पे मिस कर दी हैं। तो मेरा फीडबैक है कि यहाँ पे आपको जो भी इंडियन ब्रांड्स चाहिए, जो भी जो डेली यूज़ में घरों में नहीं होता है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और अगर आपको कुछ और जानना है पटेल ब्रदर्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि रिप्लाई करने का। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, स्टे सेफ, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।